बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका नाम है चिकन तवा चाप, जो कि बड़े आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं चिकन तवा चाप बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनती है। आइए हम किचन में चलते हैं। जी व्यूअर्स, आइए देखते हैं चिकन तवा चाप के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधी प्याली देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप देसी घी नहीं है आपके पास, लेकिन मैं चाप देसी घी में बनाऊँगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। आप ये ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं चिकन का और उसको आपने इस तरह स्लाइसेस कर लेने हैं। उसके कटिंग हम इसके बाद में करके आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह बारीक बारीक आपने स्लाइस इसके करवा लेने हैं चिकन के। ओके, उसके बाद हमें चाहिए होगा दही आधी प्याली, टमाटर। आप टमाटर देख सकते हैं इसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं, आप क्लोजअप में देख सकते हैं इसको कि हमने इसमें बीज अलहदा कर दिए हैं। ओके, इसके बाद प्याज, ये दो से तीन अदद प्याज लेने हैं आपने दरमियाने साइज के, मैंने आज कटिंग पहले से कर ली है। उसके बाद आपको चाहिए होगा हरी मिर्च, अदरक इस तरह आपने बारीक बारीक काट लेना पहले से, लीमू हमें भी चाहिए होंगे उसके लिए, और मसाला जात में हमें चाहिए होगा नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, इसमें हमें चाट मसाला भी चाहिए होगा थोड़ा सा, काली मिर्च, धनिया, हरा धनिया और सूखी मेथी भी हमें चाहिए होगी इसके लिए, और आखिर में लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आइए हम सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं चिकन का। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह कटिंग करनी है। आपने पीस लेना है इस तरह, इस तरह हमने लंबे स्लाइस के स्लाइसेस कर लेने हैं इस तरह बारीक बारीक। आप देख सकते हैं ये इस तरह लंबे हो जाएंगे स्लाइसेस, इसको आपने हाफ से काट सकते हैं इस तरह। जी व्यूअर्स, हमने इसके स्लाइसेस कर ली हैं और ये चिकन जो है ये 700 से 800 ग्राम आप ले सकते हैं, जो ब्रेस्ट पीस है 800 ग्राम 700 ग्राम, ये मेरा जो है ये 800 ग्राम है। ठीक है, तो आइए फ्लेम ऑन करते हैं। इसके लिए हमें एक बड़ा तवा चाहिए होगा। अब वैसे अगर आपके घर में छोटा तवा है उस पर भी ये बन जाएगी, लेकिन मेरे पास ज़रा थोड़ा सा बड़े साइज़ का तवा है, उसके लिए स्पेशल ये कटिंग बोर्ड कटिंग भी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा तवा गर्म होने दें। इसमें हम सबसे पहले देसी घी जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये घर का बना हुआ देसी घी है हमारे। तो हम इसको हाफ कप घी इस तवे में डाल देंगे। देसी घी हमने डाल दिया, इसको थोड़ा गर्म होने दें। जी घी गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। ऑलमोस्ट एक टीस्पून आप लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें। इसको आपने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ी देर इसको सौते करना है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 30 सेकेंड तक इसको ऑयल में थोड़ा भून लेना है। साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, चिकन डाल देंगे। जी हम इसमें अब चिकन डालने लगे हैं। आप देखते हैं, देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने लहसुन अदरक। इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसको चिकन डाल देते हैं इसमें। चिकन इसको फिला लें तवे पे,
और 3-4 मिनट के लिए इसको आप इसमें थोड़ा सा भून लें पहले इसको, फिर हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसकी आपने साइड भी चेंज करनी है, क्योंकि अभी इसको एक मिनट भी नहीं हुआ, तो हम इसको थोड़ा सा इसकी साइड चेंज कर देते हैं। मिक्स यानी मिक्स करके कह सकते हैं आप इसको। मैक्सिमम 1-2 मिनट के लिए आप इसको पकाएं और फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। आइए इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसमें नमक डालना है। नमक कितना डालना है आपने? 1 टीस्पून। ये देख सकते हैं आप क्वांटिटीज की, 1 टीस्पून इस तरह आपने इस पे सारी जगहों पे 1 टीस्पून हमने नमक डाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सूखा धनिया भी साथ ही डाल देंगे, वो भी 1 टीस्पून आप सूखा धनिया इस पे शामिल कर लें। ओके, नमक सूखा धनिया हमने डाल लिया है, इसको आपने फिर दोबारा मिक्स कर देना इसमें। इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएं इसमें और बाद में हम इसमें दोबारा दूसरे मसाले भी ऐड करते हैं। जी व्यूअर्स, इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आप नमक और सूखा धनिया डालने के बाद हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे, ताकि इसमें भी इसमें प्याज शामिल कर दिए। इसको पकने दें अभी थोड़ी देर के लिए इसमें, और साथ ही प्याज डालने के साथ ही आपने इसमें बाकी मसाला जात भी ऐड कर देने हैं। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च भी आप साथ ही डाल देंगे इसके। जायका भी हम मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा मिर्च नहीं पसंद करते तो अपने हस्बे जायका भी मिर्च डाल सकते हैं। इसको दोबारा पकने के लिए रख दें। जब तक चिकन थोड़ा गलता है, हम इसमें टमाटर की कटिंग कर लेते हैं उतनी देर में। जी व्यूअर्स, टमाटर कट चुके हैं, अब इसको एक प्लेट में हम डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं शाम थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन आना शुरू हो गया कलर। अब इसमें हम साथ ही और प्याज भी आप देख सकते हैं जूम में कि प्याज भी इसमें हल हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दही डाल देंगे। 1/2 कप जो आपको बोला था मैंने दही, वो इसमें शामिल कर देना आपने। हमने दही शामिल कर लिया और फिर इसको हमने पकने के लिए रख देंगे 2-4 मिनट के लिए। इस तरह मिक्स कर लीजिएगा दही। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है शाम का। इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकने रख देते हैं। आइए हम इसमें अब जीरा ऐड कर लेते हैं। जीरा 1/2 टीस्पून आपने चाहिए होगा, आपने आप देख सकते हैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा आप इसमें ऐड कर दें।
से बोल रहा हूँ। इसमें हम अब कुटी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून कुटी मिर्च। अगर आप मिर्च ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते तो आप हाफ भी डाल सकते हैं। मैं वैसे 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगा और इसको फिर मिक्स करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि टमाटर क्यों नहीं मैं डाल रहा, कि जब पक जाएगी हम इसमें लास्ट में टमाटर, हरी मिर्च और जो हमारा अदरक है वो लास्ट में डालेंगे। इसको पकने के लिए रखते 2-3-4 मिनट के लिए। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं 1-2 मिनट के बाद इसका कलर कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो बाकी मसाला जात है इसमें हमने, मैंने आपको बोला था काली मिर्च, वो डाल देते हैं। वो भी काली मिर्च भी हमने 1/2 टीस्पून लेनी है। ये गरम मसाले की जगह आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर काली मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी आप गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। फिर इसको पकने के लिए रख देते हैं। देखिए खुश्क हो गया इसका पानी। व्यूअर्स देख सकते हैं आप कि काफ़ी हद तक ये तैयार हो गई है, 80% तैयार हो गई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टमाटर मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जाके डालेंगे, लिहाजा हम इसमें टमाटर भी ऐड कर रहे हैं। और इसमें आप अदरक भी शामिल कर देंगे, साथ ही हरी मिर्च हम आहिर पे ऐड करते हैं। थोड़ा सा आपने अदरक शामिल कर लिया। बहुत लजीज खुशबू आने शुरू हो गई है, क्योंकि हमने देसी घी का इस्तेमाल किया और इसकी फूड ऑफिस से मेरा मुँह। आप देख सकते हैं अगर आप तवा इस्तेमाल करें तो हमने तवे पे इस तरह इसको, इसका साइड चेंज करनी है चिकन की, इस तरह इसको मिक्स करेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया इसका चाम का। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने चाट मसाला बोला था, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी रेडी हो गई है, इसमें हम चाट मसाला भी 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और नींबू भी आप जो है इसमें शामिल कर सकते हैं 2-3 पीसेस, ताकि इसका भी टेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये रेडी हो गया हमारी चाप, तवा चाप। अब क्या करेंगे हम इसमें हरी मिर्च भी, आपको मैंने बताया था कि लास्ट पे डालनी है हरी मिर्च, ये हम हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर देते हैं। हम जब ये पक चुकी है इसमें हम क्या करेंगे, आहिर में सूखी मेथी, आपको मैंने बोला था 1 टीस्पून आप सूखी मेथी इसमें शामिल कर देंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चाम के अंदर। ये हमने ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है जी, जस्ट 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी चाम। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चाम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस पे हमने जो धनिया है वो हम इसमें ऊपर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं जब ये पकेगी तो इस कलर की हो जाएगी, जूम में आप देख सकते हैं। कितनी प्यारी लग रही है ये चाम। अब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे इस तरह। आप देख सकते हैं कितना मुनासिब घी मैंने इस्तेमाल किया है, यानी ज़्यादा घी हो तो वो भी पसंद नहीं करते लोग। धनिया हमने डाल दिया है। जी व्यूअर्स ये बिल्कुल रेडी है आप खाने के लिए, हमारी चिकन चाम बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। हम इसको सर्व करते हैं।
ये हम सर्व करते हैं इसमें डिश पे, डिश आउट कर लेते हैं इसको इस तरह से। आप इसको इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।